समेत शिखर विवाद और जैन समुदाय की मांग पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखनी होगी, इसके लिए झारखंड सरकार सभी आवश्यक कदम उठाए। पारसनाथ क्षेत्र में शराब मांस की बिक्री ना हो, 2019 की अधिसूचना पर राज्य कार्रवाई करे। 2019 की अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक हो और पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि पारसनाथ मामले पर केंद्र ने समिति बनाई है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार समिति में जैन समुदाय के 2 सदस्यों को शामिल करे, इसमें स्थानीय जनजातीय समुदाय से भी 1 सदस्य हो। समेत शिखर को इको टूरिज्म जोन और पर्यटन स्थल से बाहर करने के फैसले का दिगंबर जैन समाज के लोगों ने स्वागत किया। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार एवं माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, दोनों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने पारसनाथ के इस मसले को हल करने में अपनी तत्परता दिखाई। हम बहुत धन्यवाद और बहुत आभार दोनों सरकार का प्रकट करना चाहते हैं। तीर्थराज समेत शिखर की जय, अनंत अनुचित परमेष्टि भगवंतों की जय। आस्था का असीम केंद्र तीर्थराज समेत शिखर जी, जो लाखों करोड़ों अनुयायियों का परम आस्था का केंद्र है, वह समेत शिखर जी निश्चित ही उसका सम्मान और समस्त जैन समाज का सम्मान केंद्र सरकार ने एवं झारखंड राज्य सरकार ने किया और निश्चित ही पर्यटन स्थल जो मामला था वह रद्द हुआ और उसकी पवित्रता हेतु जो सभी ने कदम उठाया उन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सीएम इन दिनों एक बार फिर से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन यात्रा पर निकलने वाले हैं और संभावित जिला भ्रमण कार्यालय कार्यक्रम को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जरूरी निर्देश जारी किए गए, जिसमें तमाम जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उपायुक्त की तरफ से बताया गया कि सावित्रीबाई फुले सर्वजन पेंशन, मनरेगा छात्रवृत्ति और जो तमाम योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर राशि उपलब्ध कराई जाए और लाभुकों को लाभान्वित किया जाए। रिव्यू मीटिंग का पश्चिमी सिंहभूम जिले में शेड्यूल है, उसमें हम लोगों ने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी अधिकारी साथ ही साथ सभी BDO CEOs के साथ रिव्यू करे सारे इंडिकेटर्स। इसमें हमारी मुख्यतः जो योजनाएं हैं सावित्रीबाई फुले योजना, साथ ही साथ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मनरेगा, इसके अलावा हमारे जो भी 1 करोड़ से अधिक की योजनाएँ हैं उनका क्या प्रोग्रेस स्टेटस है, सर्जन पेंशन योजना इत्यादि सभी योजनाओं को रिव्यू किया गया। सभी को यह निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप अपनी उपलब्धि को 100% करते हुए नेक्स्ट मीटिंग में उपस्थित होंगे और साथ ही साथ जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको अपडेट करेंगे और अपने एरिया में जितने भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं उनको इसके। बोकारो विधायक बिरंची नारायण हजारीबाग पहुंचे और हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार के 3 साल को उन्होंने बताया पूरी तरह से फेल और कहा कि सिर्फ अपने और अपने सगे संबंधियों के फायदे के लिए सरकार काम कर रही है, जो कि अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग के अटल भवन में वो कह रहे थे, उन्होंने जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को ऊपर उठाने का काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार उन्हें नीचे गिराने का काम कर रही है। झारखंड में पिछले 3 साल में जिस तरह से लूट मची है, जिस तरह से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार, जिस तरह से अधिकारियों की बोली लग रही है, डाक नीलामी हो रही है अधिकारियों की, झारखंड के लिए बहुत दुखद है। जहां झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए था, वहीं
सरकार सिर्फ सरकार के मुखिया और उनके जो मंत्रीगण हैं उनको आगे बढ़ाने ऊपर बढ़ाने में ये लोग लगे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग बैनर में सिर्फ झूठ चस्पा करने का काम ये सरकार कर रही है। मेरा मानना है कि हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार कामचोर है। झारखंड में पिछले पंजाब नेशनल बैंक देवघर के सुरक्षा गार्ड को पुलिस की तरफ से मारपीट कर जेल भेजे जाने के खिलाफ बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन विरोध में उतर आया है और पुलिस के अमानवीय व्यवहार का विरोध किया है। उनका कहना है कि गार्ड की रिहाई तत्काल की जाए और उसे लेकर सेक्टर 4 गांधी चौक पहुंचकर बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बैंक का गार्ड जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था, इसके बावजूद थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी हथियार के साथ बैंक में प्रवेश कर गए और वहां मारपीट की और मारते पीटते थाने ले जाकर कानून के खिलाफ जेल भेजने का काम किया है। ऐसे में सुरक्षा कर्मी को रिहा करते हुए पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि नाहक बैंक कर्मचारी तो अपने ड्यूटी के निर्वहन में पिटा गया, जिसको कि उसको रक्षा करनी थी उसको रक्षक ही उसका भक्षक बन गया, और साथ में कैसे हम अपने ड्यूटी का निर्वहन करेंगे अगर हमारे ड्यूटी में है कि आर्म्स लेकर के कोई आदमी नहीं अंदर घुस सकता है। अगर हम यह रोकेंगे और उसके लिए हमको जिसको इसको प्रश्रय देना चाहिए उसने उसको उसके साथ एक प्रकार से कहिए कि गुंडागर्दी टाइप से उनके साथ व्यवहार किया गया, तो ऐसे में हम कैसे अपने ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। हमारी मांग सीधा यह है कि जो हमारे आर्म गार्ड जिनको कि अकारण बिना किसी दोष का जिनको कि गिरफ्तार कर लिया गया है उनको अविलंब बिना शर्त रिहा किया जाए। विधायक इरफान अंसारी सीडी पहुंचे और साईं बाबा के दर्शन किए। इस मौके पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड के सदस्य साईंराज गायकवाड़ ने विधायक इरफान अंसारी को सम्मानित किया और इरफान अंसारी की तरफ से जो सर्वधर्म विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसे लेकर उनके प्रति आभार जताया। इरफान अंसारी ने इस मौके पर कहा कि सभी धर्मों के प्रति उनकी आस्था है और साईं बाबा के दर्शन कर उनके मन को शांति मिली है। और झारखंड के गिरिडीह में बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्र का ताला तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि वहां रखे पंखे, ट्यूबलाइट, पानी के मोटर, जनरेटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, बेसिन, बाथरूम का गेट और लगभग 50 नल चोरी कर लिए गए हैं। पानी टंकी भी उखाड़ने की कोशिश की गई और सभी कमरों के दरवाजे और ताले टूटे हुए मिले। पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। इतना पंखा ट्यूबलाइट था वो पता हमको। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवक से स्टाफ को मालडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड के लिए भेजा गया था लाने के लिए। तो यहां पर देखा गया कि जो भी सामान यहां पर था, बेड हो, लाइट हो, पंखा हो, तो किचन वगैरह में जो भी नल उल लगा हुआ था सभी जगह से तोड़ लिया गया है। कुछ यहाँ का सामाजिक तत्व तो जो शरारती लोग हैं गेट तोड़ करके शीशा वगैरह खिड़की वगैरह का सारा चीज़ तोड़ दिया गया है। सारा सामान यहाँ से ले गया है जो काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी सूचना हम लोगों ने थाना प्रभारी को दिए हैं। थाना प्रभारी भी आकर के निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण के उपरांत बोले हैं उन्होंने कि जो भी होगा हम लोग कार्रवाई इस पर करेंगे। जमशेदपुर के सीसीआर कार्यालय में बैठक की गई जिसमें एसएसपी ने तमाम पुलिस वालों को निर्देश दिया कि वाहनों में जीपीएस लगाने के बाद वाहनों पर किस तरह से नज़र रखी जाए इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा अगर पीसीआर वैन कहीं खड़ी रहेगी तो कंट्रोल रूम में सायरन बजने लगेगा और साथ ही पीसीआर वैन में कितना डीजल भरा गया और गाड़ी कितने घंटों तक सड़क पर दौड़ी है ये सारा डिटेल कंट्रोल रूम में होगा। इतना ही नहीं, टाइगर मोबाइल पर भी जीपीएस से नज़र रखी जाएगी। ऐसे में क्राइम कंट्रोल कैसे हो और आम लोग अगर सूचना देते हैं तो अविलंब पुलिस वहां कैसे पहुंचे और देर से पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बात भी एसपी की तरफ से कही गई है।
हम देख लिए कि चार गाड़ी एक ही जगह है, तो उसको मैसेज ये आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा वन ऑफ इट्स काइंड एक QR बेस्ड ई बीट पेट्रोलिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इससे हमारा मकसद है कि जो जमशेदपुर पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है अलग अलग गाड़ियों के द्वारा, चाहे वो PCR हो, टाइगर मोबाइल हो, थाने की पेट्रोलिंग हो, गश्ती को इम्प्रूव किया जाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाया जाए, गश्ती में जो पदाधिकारी और कर्मी रहते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी उन पर फिक्स की जाए, इसको लेकर के हम लोग आज ये एक नया सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। इस सिस्टम में जमशेदपुर पूरे जिला में लगभग 1500 लोकेशन को चयनित किया गया है। उस हर एक लोकेशन पर बार कोड लगाया जा रहा है, जिसका काम आज से चालू हो गया है। आज से ये सिस्टम साक्ची थाना अंतर्गत सभी लोकेशन और बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सभी लोकेशन में कार्यरत हो जाएगा और ये रियल टाइम इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा पुलिस ऑफिसर, कौन सी गश्ती पार्टी किस किस लोकेशन में दिन भर और रात भर में कितने बार गई है, या फिर अदर वे भी कौन सा ऐसा लोकेशन है जो पुलिस के द्वारा अनटच्ड रहा है, पुलिस वहां गश्ती नहीं कर पाई है। इसका रिपोर्ट प्रत्येक दिन हमारे पास आएगा, CTSP के पास आएगा और हमारे जितने तमाम सीनियर पदाधिकारी हैं सबको उस रिपोर्ट के लिए एक्सेसिबिलिटी दी गई है। वो लोग भी अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटर कर सकते हैं और इससे हमें उम्मीद है कि जो हमारा गश्ती है, जो पेट्रोलिंग है, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ेगी और पूरे जमशेदपुर जिला का एक एक कॉर्नर, एक एक प्रतिष्ठान जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम के दृष्टिकोण से, सब पर पुलिस का प्रेजेंस और विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी।